जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। यूपी टेट परीक्षा कैंसिल को लेकर फाइनली आयोग का ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया गया है। गाइज आपको बता दूं कि 2017 का पेपर और पेपर लीक को लेकर अभी तक 80 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गाइज हो सकता है कि 2017 का जो 80% क्वेश्चन मिल गया था, गाइज मान ले अगर आयोग की तरफ से पहले ही बता दिया होगा कि 2017 का पेपर आने वाला है। गाइज बहुत ऐसा स्टूडेंट को पता था कि पेपर 2017 को आने वाला है, वही पढ़कर गया होगा। गाइज आप लोग सोचिए जरा, यूपी टेट परीक्षा को लेकर 23 जनवरी को है, 22 जनवरी को ही पता चल गया होगा। गाइज आपको बता दूँ कि टोटल 80 लोग को गिरफ्तार किया गया है। गाइज अगर आप लोग सपोर्ट करना होगा, नहीं तो आप लोग का जो 2 साल का मेहनत, 3 साल का इतना मेहनत करने के बावजूद हर किसी का सपना होता है कि यूपी टेट 2-3 साल में आता है, एग्ज़ाम देकर क्वालिफाई करे। गाइज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा लाल बटन को दबाकर और सपोर्ट कीजिए। ट्विटर भर गाइज 2 से 3 दिन में आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा एग्ज़ाम को लेकर। गाइज कल 9 बजे तक हाई कोर्ट की तरफ से फैसला आएगा यूपी टेट परीक्षा कैंसिल को लेकर कि आखिर क्यों 2017 का 80% क्वेश्चन डाला गया है। और गाइज जो पेपर लीक को लेकर कल हाई कोर्ट में फैसला आएगा, उसके बाद हम लोग को क्लियर हो जाएगा कि यूपी टेट परीक्षा क्या होगा, आगे होगा या पोस्टपोन्ड होगा या गाइज नहीं होगा, या जो स्टूडेंट 5 से 6 लाख ऐसे स्टूडेंट है जो एग्ज़ाम छोड़ नहीं दिया है। गाइज बहुत ऐसा स्टूडेंट का एग्ज़ाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेने के चक्कर में गाइज एग्ज़ाम उसका छूटा गया है। तो गाइज आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो आगे बढ़िए, नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके लाल बटन दबाकर रिजल्ट का इंतज़ार कीजिए। जय हिंद जय भारत दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे ही रहेंगे।